वोट किसको देंगे? वोट तो इमरान खान को देगा, वो तो इमरान खान नहीं था जान, नहीं प्यारी इमरान खान से प्यारी नहीं है, बस इमरान खान से नहीं है, नहीं प्यारी इमरान खान करे। एक सीपैक है जो नवाज शरीफ कहता मैंने बनाया है। अच्छा, आप मुझे उस लेवल के कोई प्रोजेक्ट्स बता दें जो इमरान खान ने लगाए या उसने सीपैक में कोई खाता पूरा करवाया है। के नवाज शरीफ ने प्रोजेक्ट बनाया, ये 95% लोग क्यों इमरान खान के पीछे जाते हैं, आप सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। हम लोग इन्फेचुएटेड हो जाते हैं एक बंदे के साथ, नवाज शरीफ का भूत उतरा है, हम इमरान खान के साथ हो गए, उसका भूत उतरेगा किसी और के साथ हो जाए। लेकिन वोट किसको देंगे? इमरान खान को देते। पक्का? पक्का। क्या वजह है इमरान खान से इस चाहत को? सच्चाई है, सच्चा लीडर। किसको वोट देंगे यार? बंदा एक ही है बस, सबको पता है इमरान खान, और कोई है? अरे तेरा एक ही बंदा है, बस एक ही बंदा है, सिर्फ एक ही रहेगा। एक ही, मैंने कहा बस, ये पूरे दुनिया में भी एक ही बंदा है इमरान खान, बस जो जो पूरी दुनिया मुसलमानों का लीडर है वो है, सिर्फ इमरान, सिर्फ इमरान खान, सच सिर्फ इमरान खान को, सिर्फ इमरान खान बस। क्या मर भी जाए पक्का उसको वोट देंगे? किसी मर भी जाए, मर भी जाए उसको, जान जान कितनी प्यारी हो, जान नहीं प्यारी इमरान खान से, प्यारी नहीं है बस, इमरान खान से नहीं है, नहीं प्यारी इमरान, ना करे नहीं इमरान, ना करे नहीं जी, इमरान खान को वोट देंगे बस। पक्का? पक्का यार, ना करे बस, एक ही बात, सच बताओ, सच पठान एक जुबान ही बस, इमरान खान जिंदाबाद, पठान एक जुबान, इमरान खान को आप किसको देंगे? इंशाल्लाह इमरान खान को, जो सच्चे लीडर हो उसको ही देंगे ना, और किसको देंगे? अच्छा आप किसको देंगे? क्या चीज, वोट किसको देंगे? इमरान खान को देंगे, नवाज शरीफ को हम नहीं देंगे, किसी कुत्ते को वोट देंगे, नवाज शरीफ को नहीं देंगे। अच्छा कुत्ते को वोट देंगे, वोट डालेंगे नवाज शरीफ को नहीं डालेंगे। अच्छा कुत्ते, आप किसको वोट देंगे? हम सोचेगा भाई से, उस टाइम सोचेगा बस, अल्लाह फार करेंगे की हम सोचेगा, उस टाइम सोचेगा, हाँ सोचेगा, किस लिए, किस लिए सोच रहा भाई, बस सोचेगा बस। वोट किसको देंगे? वोट तो इमरान खान को देगा, वो तो इमरान खान, हाँ पक्का, पक्का। क्या मजे है इमरान खान, इमरान खान लीडर है, पागल है ये, कहते हैं सारे पीछे कह रहे ये पागल है। कौन पागल? कहते पागल है, इमरान खान को वोट दे रहे, जो उसको पागल बोलते हैं वो पागल है, इमरान खान सही है, इमरान सही है, इमरान खान को वोट देंगे। सारे को वोट किसको देंगे? बहन तो जिंदगी में किसी को दिया ही नहीं, अभी तक किसी को मैं जिंदगी में नहीं दिया, आप किसको देंगे वो? इमरान खान को। पक्का? इंशाल्लाह। खान को वजह क्या है? बस ये नहीं पूछे, हुकूमत तंग करती है, हमारा मरते दम तक वोट इमरान खान को, मरते दम तक इमरान खान, इमरान खान को, मरते दम इंशाल्लाह। जान बहुत प्यारी होती है, इंशाल्लाह जान तो बहुत ज्यादा प्यारी होती है, आप क्यों खान के लिए जान दे रहे हो? यार जान तो बहुत प्यारी है, जान तो बच्चों के लिए देंगे या खुदा के लिए देंगे, इमरान खान के लिए नहीं देंगे, लेकिन वोट हम इमरान खान को देंगे। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है खैरियत से? आने वाले जो इलेक्शन है वोट किसको देंगे? किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं, वजह? क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, हम गरीब लोग का घर का निजाम थोड़ा मुश्किल हो गया है, किसी को भी नहीं देंगे। किसी, आप किसको देंगे वोट? खान को, इमरान खान को। हाँ। पक्का? पक्का। वजह क्या है? दिल से चाहते हैं, दिल से। हाँ। सर, आने वाले जो इलेक्शन है आप वो किसको देंगे? वो तो ऐसे इमरान खान का बनता है, इमरान खान का बनता है, तो क्या वजह है इमरान खान को, सारे इमरान खान को क्या वजह ऐसी? वो तो असल में आग पे खड़ा है ना, आग पे खड़ा है, आग पे खड़ा है। अभी पाकिस्तान की ये जो आवाम है ये इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है ना, जो आप उनको कहेंगे कि जी ये हो गया, हमने वो कर दिया, लोग समझ रहे होते हैं आपने क्या किया। ठीक है, ये दो खानदान तो इन्होंने बड़ा पाकिस्तान को लूटा है और पूरे। आप इमरान खान को दें, आप किसको देंगे? मैं नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान के अलावा किसी को भी वोट दे दूंगा, ये तीनों ही लुटेरे हैं और एक ही लाइन में है। नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान, सबको लुटा के इमरान किसी को भी नहीं देगा, किसी को भी वोट दे दूंगा इनको। अच्छा। क्योंकि ये आजमा चुके हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम इन्फेचुएट हो जाते हैं किसी एक शख्स के साथ कि ये बंदा सही है, उसके बाद हम उसी के पीछे लग जाते हैं। मेरे साथ एक बंदा था, वो बिया वाली का मेरा दोस्त, वो मुझे ये कहता है कि मियांवाली में हम लोग खोता भी खड़ा हो जाए ना हम पीटीआई को वोट देंगे, लेकिन वो कहता है कि कुछ गलतियां इन्होंने की है, हमारी सीपैक की रोड बनी है उसके ऊपर 3 दफ़ा ब्लेड चल चुका है। अब ये गलती है नवाज शरीफ करे तो ये खापा है, इमरान खान करे तो ये गलती है, मिस मैनेजमेंट है। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती, एक गलती के पीछे नहीं लगनी चाहिए, एक बंदे के पीछे नहीं लगना चाहिए, आपको देखना चाहिए कौन सही है, किसको आजमाना, किस किस को आजमाना, नवाज शरीफ को, किस सर को। मैं एक बात कहता हूँ, आप एक बात सुनिए, आप अगर एक दफ़ा किसी को आजमाएंगे ना वो आपको डिलीवर नहीं करता, आप अपने एरिया में किसी पार्टी वाले को वोट ना दें, आप देखें जो बंदा सही खड़ा हुआ है उसको वोट दें। अच्छा,
बेशक वो आजाद उम्मीदवार ही हो। 30 साल से नवाज शरीफ हुकूमत कर रहा था, इन्होंने कहा कि चले साल से 30 साल से नवाज शरीफ हुकूमत नहीं कर रहा, नवाज शरीफ ने सिर्फ 7 से 8 साल हुकूमत की है। हमारे मार्शल लॉ के टाइम को भी हम इन गवर्नमेंट्स में ही कैद करते हैं, हम उनको ही दूसरा करते हैं, इसको नहीं। एग्जैक्ट टाइम देखे कितना टाइम, 3 दफा वो गवर्नमेंट में आया, उसने अपना अरसा पूरा नहीं किया। इमरान खान को टाइम देना चाहिए था या नहीं ये बताएं। 3 साल उसकी हुकूमत थी, उनके 5 साल करने चाहिए या 10 साल करने चाहिए, क्या पता। सर बात यह है कि नवाज शरीफ को कभी भी पूरी हुकूमत नहीं करने दी, बेनजीर को भी कभी भी पूरी हुकूमत करने नहीं दी। ये कहना कि मैं हुकूमत में, क्या वजह है, वजह क्या है, ये क्यों करते हैं ऐसा। सर जब हम अपनी औकात से बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, या तो आप प्रोजेक्ट्स ऐसे लगाएं, चीज़ें ऐसी लगाएं कि आवाम आपके साथ हो। जब आप ऐसा खाता ही ना करें कि आपके जो है ना, इमरान खान ने प्रोजेक्ट ऐसा बनाया कि इमरान खान सारी वो कॉल करते हैं वो सारे आ जाते हैं, तो ये कौन से प्रोजेक्ट उसने बनाया। आप प्रोजेक्ट को छोड़ दें, वो इमरान खान की कॉल पर सारे बंदे आ जाते। देखिए एक सीपैक है जो नवाज शरीफ कहता है मैंने बनाया है। अच्छा आप मुझे उस लेवल के कोई प्रोजेक्ट्स बता दें जो इमरान खान ने लगाए या उसने सीपैक में कोई खाता पूरा करवाया है। फिर 95% मैं आपसे यही तो बात कह रहा हूँ, इंफैचुएटेड आपसे पूछ रहा हूँ, मैं वही बात कह रहा हूँ कि इंफैचुएटेड जैसे पहले लोग नवाज शरीफ के साथ थे कि नवाज शरीफ ने प्रोजेक्ट बनाया, ये 95% लोग क्यों इमरान खान के पीछे जाते हैं, ये आप सवाल आपसे पूछ रहा हूँ क्यों जाते हैं। मैंने आपसे और क्या बात कही है कि एक बात में लोग नवाज शरीफ के साथ इंफैचुएटेड थे, उससे पहले भुट्टो के साथ थे। हम लोग इंफैचुएटेड हो जाते हैं एक बंदे के साथ, नवाज शरीफ का भूत उतरा है हम इमरान खान के साथ हो गए, उसका भूत उतरेगा किसी और के साथ हो जाएंगे।